तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके इंजीनियरिंग में आते रहते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, देन वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो कर लेते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डजंट जीरो प्लस टू एफ डैश वन अपॉन एक्स लॉग वाई अपॉन, और इसका है ये चैन रूल के थ्रू, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर नेगेटिव में। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, पी इज इक्वल टू टू एफ डैश वन अपॉन एक्स प्लस लॉग वाई माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इस वाले टर्म को इधर ट्रांसफर कर देते हैं और इसे फर्स्ट इक्वेशन ले देते हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है, y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। तो हमें क्या मिलेगा, y के रिस्पेक्ट में करते हैं डेल अपॉन डेल वाई इक्वल टू, मैं यहां पे आ जाएगा टू वाई प्लस टू एफ डैश अपॉन वन अपॉन एक्स प्लस लॉग वाई वन, ये वन अपॉन एक्स प्लस लॉग वाई। अब इसे वाई, ये वाला टर्म चैन रूल के थ्रू ये जीरो हो जाएगा और ये हमारा लॉग वाई का वन अपन वाई हो जाएगा, राइट। तो अब हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे सिक्वेंट इक्वेशन ले लेते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो फर्स्ट इक्वेशन एक्स स्क्वायर पी इक्वल टू टू एफ डैश वन अपॉन एक्स, यहाँ पे ये पार्ट कॉमन आ रहा है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन डेल जेड ऑन डेल वाई इक्वल टू टू वाई प्लस, सॉरी एक मिनट गाइस, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसे इसे क्यूब होते हैं और ये टू वाई प्लस ये वाला इसे हम पुट कर देंगे टू वाई प्लस, सॉरी ये टू वाई प्लस इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर टी अपॉन वाई, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा।